राजस्थान सफाई आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डडोरिया ने कहा कि निकायों में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त कार्मिक को सफाई का ही कार्य करना होगा। कार्मिकों को फील्ड में जाकर अपनी नियुक्ति के अनुरूप सफाई का काम ही करना पड़ेगा। निकाय प्रबंधन भी उस कर्मचारी से अन्य किसी प्रकार का कोई काम नहीं ले सकता है। डडोरिया ने कहा कि इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती कार्मिक चाहे किसी राजनेता, मंत्री या किसी रसूखदार कर्षदार हो, उसे किसी भी कीमत पर अन्य किसी काम में नहीं लगाया जा सकता है। डडोरिया ने गुरुवार को नगर परिषद ब्यावर पहुंचे थे और परिषद सभागार में आयोजित सफाई कर्मचारियों की जनसुनवाई को संबोधित कर रहे थे। जनसुनवाई के दौरान अपना उद्बोधन देते हुए डडोरिया ने कहा कि परिषद आयुक्त से भी कहा कि इसके लिए डीएलबी से आदेश जारी किए गए हैं और उन आदेशों की पालना हर हालत में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को अन्य कार्य पर लगाने से कारण स्थानीय निकाय की साफ सफाई व्यवस्था बाधित होती है, अतः कर्मचारियों को अपने मूल काम पर ही लगाया जाना चाहिए। जनसुनवाई के दौरान डडोरिया ने उपस्थित सफाई कर्मचारियों से उनकी समस्याओं की जानकारी लेते हुए मौके पर उपस्थित आयुक्त से कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करने के निर्देश दिए। डडोरिया ने नगर परिषद पहुंचने पर सफाई जमादारों तथा कर्मचारियों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। जनसुनवाई के दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी मोहिंद्र फुलवारी, स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन, सुरेश काठा, संतोष तेजी, मुकेश टुलकच, अशोक जॉय, अंकित पंडित, विनोद जावा तथा रवि सांगेला आदि उपस्थित थे।